हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेवन सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में 3 लेक्चर देख चुके थे, आज देखेंगे फोर्थ लेक्चर। इसमें देखेंगे, अपन पढ़ रहे थे क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में कुछ टॉपिक्स दे रखे थे, जैसे मेडिकेशन चार्ट रिव्यू, क्लिनिकल चार्ट रिव्यू, फार्मास्यूटिकल केयर और वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन एंड फार्मासिस्ट इंटरवेंशन। तो एक टॉपिक और है डोजिंग पैटर्न एंड ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डिजीज पैटर्न। तो ये टॉपिक जो है क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर ही इंक्लूड कर रखे हैं हमारे सिलेबस के अंदर। तो हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन एंड फार्मासिस्ट इंटरवेंशन, और थोड़ा इसके बारे में भी स्टडी कर लेंगे, डोजिंग पैटर्न के बारे में भी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और आशा करता हूँ कि हमारा जो एफर्ट है आपको अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। तो आप इससे समझ रहे होंगे कि वार्ड कहाँ होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ इन पेशेंट्स होते हैं, उनकी केयरिंग की जाती है। तो वहाँ पर ये तो है नहीं कि 24 आवर डॉक्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिजिशियन फार्मासिस्ट, ओनली नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल होता है इन पेशेंट्स के पास। लेकिन हॉस्पिटल में एक वन डे में 1 या 2 टाइम वार्ड राउंड किया जाता है फिजिशियन फार्मासिस्ट और अदर जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा। तो उसको बोलते हैं वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, जिससे क्या है कि जो पेशेंट की जो रेट है इम्प्रूव होने की, वो चेक की जाती है, क्या थेरेपी में इम्प्रूव करना है, ड्रग इफेक्ट कर रही है या नहीं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट आ रहे हैं या नहीं आए, तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। ए विजिट मेड टू हॉस्पिटल इन पेशेंट एट देयर बेड साइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर टू रिव्यू एंड फॉलो अप द प्रोग्रेस इन देयर हेल्थ इज टर्म्ड एज वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन या वार्ड राउंड। मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर रिव्यू लेते हैं पेशेंट का एट बेड साइड, प्रोग्रेस इन देयर हेल्थ। ए सिंगल राउंड पर डे इज जनरली कंडक्टेड टू रिव्यू देयर प्रोसेस, बट कुछ टाइम जो कुछ लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें 2 टाइम्स भी यह किया जाता है। और इन जो यूएसए है इसमें 1970 से ये फॉलो अप किया जा रहा है कि वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में जो फार्मासिस्ट है उसको इन्वॉल्व किया जाता है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मासिस्ट क्या है इसके अंदर, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के अंदर, अंडरस्टैंड वेल द पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, प्रोग्रेस करंट प्लान, इन्वेस्टिगेशन एंड थेरापिटिक गोल्स। मतलब जो क्लिनिकल स्टेटस है पेशेंट का, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है एंड प्लान करता है कि थेरापिटिक गोल, मतलब उसको कैसे क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इन्वेस्टिगेट द ड्रग ऑर्डर और डोज, जो ड्रग का ऑर्डर है, डोज है, वो प्रॉपरली चेक किया जाता है फार्मासिस्ट के द्वारा। डिटेक्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि फिजिशियन को ही इनके बारे में नॉलेज हो, फार्मासिस्ट को भी नॉलेज होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग्स के बारे में, तो वो भी इसको डिटेक्ट कर सकता है। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होते हैं, प्री राउंड हो गया, रजिस्ट्रार या रेजिडेंट हो गया, प्रोफेसर या चीफ राउंड हो गया, एक टीचिंग राउंड भी होता है कि जो टीचिंग स्टाफ होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी हॉस्पिटल वार्ड में राउंड करते हैं पेशेंट केयर के लिए। तो यह हो गया वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। ज़्यादा डिटेल नहीं देखी है हमने, अगर ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी करना है तो हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या फिर नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए। फार्मासिस्ट इंटरवेंशन, इससे भी कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। फार्मासिस्ट इंटरवेंशन मतलब फार्मासिस्ट से रिलेटेड, ड्यूरिंग द वार्ड राउंड फिजिशियन इंटरव्यू द पेशेंट ऑन अबाउट द सिम्टम्स कंप्लेंट्स एंड प्रोग्रेस। मतलब जब वार्ड राउंड होता है तो फिजिशियन पेशेंट से उसके सिम्टम्स कंप्लेंट्स एंड प्रोग्रेस के बारे में इंटरव्यू करता है। देन फिजिशियन एग्जामिनेशन इज कंडक्ट फॉलो बाय रिव्यूइंग। इसके बाद फिजिशियन जो पेशेंट्स के लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं उनको चेक करता है एंड जो डायग्नोस्टिक डाटा होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उनको चेक करता है। समटाइम ये प्रोसेस होगी फिजिशियन को, समटाइम फिजिशियन आल्सो कंसल्ट विथ फार्मासिस्ट।
फार्मासिस्ट के साथ कंसल्ट करता है रिगार्डिंग द ड्रग ट्रीटमेंट। तो यहीं से हमारे फार्मासिस्ट इंटरवेंशन की स्टार्टिंग होती है। फार्मेसी इंटरवेंशन इज एनी डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय फार्मासिस्ट टू चेंज द पेशेंट मैनेजमेंट एंड थेरेपी। मतलब कि फार्मासिस्ट को फिजिशियन कंसल्ट करेगा तो फार्मासिस्ट पेशेंट की जो मैनेजमेंट है, थेरेपी दी जा रही है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि फार्मासिस्ट को भी बेटर नॉलेज होता है इसके बारे में। अब है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वार्ड राउंड। जो फार्मासिस्ट होते हैं तो कोलेबरेट रखना है होता है विद द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू पेशेंट फुलफिल द हेल्थ केयर नीड ऑफ पेशेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन में रखें, क्योंकि वो उनका मेन रोल होता है दोनों का, फिजिशियन और जो हेल्थ केयर होते हैं कि वो पेशेंट को इम्प्रूव थेरेपी प्रोवाइड करें। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड क्लिनिकल नॉलेज आर बेसिक फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन वार्ड राउंड क्लिनिकल मीटिंग्स। क्योंकि अगर अपन को गुड कोई फार्मासिस्ट है उसको गुड कम्युनिकेशन स्किल ठीक से नहीं है और उसको क्लिनिकल नॉलेज भी नहीं है, तो उसका क्या रोल होगा वार्ड राउंड में और क्लिनिकल मीटिंग्स में? वो अटेंड तो कर लेगा लेकिन वहाँ पर कोई एडवाइस नहीं दे पाएगा, तो क्या मतलब होगा इसके लिए? इसके वो कम्युनिकेशन स्किल और जो क्लिनिकल नॉलेज है वो इंक्रीज होना चाहिए। वार्ड राउंड फॉलोअप, मतलब कुछ से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मासिस्ट को ड्यूरिंग द वार्ड राउंड, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंक्वायरीज होती हैं जो फार्मासिस्ट को रखनी होती है, फिजिशियन को बतानी होती है। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन नहीं करना आता हो, डिस्कशन विद पेशेंट के साथ डिस्कस कैसे करते हैं वो उसके बारे में नॉलेज नहीं हो। कम्प्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट कैसे कम्प्लीट करना, ये डिफरेंट वार्ड राउंड फॉलोअप्स आते हैं। अब देखते हैं डोजिंग पैटर्न एंड थेरेपी, ये टॉपिक है हमारा डोजिंग पैटर्न एंड ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक। टॉपिक है डोजिंग पैटर्न एंड ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक एंड डिजीज कंडीशंस या फिर डिजीज पैटर्न। मतलब इसमें जो डोजिंग पैटर्न होगा वो अकॉर्डिंग टू फार्माकोकाइनेटिक एंड डिजीज के अकॉर्डिंग कैसे होगा? तो जो डोजिंग पैटर्न होता है, डोज रिजमेन इज ए प्रोसीजर ऑफ रूटीन इन विच द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, मतलब एक प्रोसीजर होगा जिसमें ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ ड्रग्स होती हैं, तो सम ड्रग हैव लो डोज ऑफ ड्रग, मतलब उनको रिक्वायर्ड होती है लो डोज, कुछ होती है उनको मल्टी डोज की रिक्वायरमेंट होती है, जो ड्रग है उस थेरेपी के लिए मल्टी डोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रग के लिए और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है डोज में। तो इसमें देखिए फर्स्ट है टॉपिक है इसके अंदर पढ़ना है हमको डोज साइज। तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो डोज साइज होगी जो पेशेंट को अपन दे रहे हैं, जब डोज साइज इंक्रीज होगी, जब डोज साइज इंक्रीज होगी तो टॉक्सिसिटी होती है, जैसे डोज साइज इंक्रीज तो जो टॉक्सिसिटी होती है वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डोज साइज इंक्रीज होगी तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा इसका जो ग्राफ बनेगा तो वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डोज इंक्रीज हो रही है तो जो ग्राफ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप नोट्स में देख लेना, आप परचेज कर लेना, वहां पर आपको डिटेल स्टडी मिलेगी इसके बारे में। और इसके बाद इसमें जो क्या है, जो सी मैक्सिमम है सी मिनिमम है, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है डोज फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होती है, जब डोज में कोई डिफरेंस आता है, या तो डोज कम हो जाती है
या फिर डोज ज्यादा हो जाती है तो उसमें डोज फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। उसमें भी जो रेशियो होता है सी मैक्सिमम एंड सी मैक्सिमम एंड सी मिनिमम, मतलब ये कंसेंट्रेशन होती है जो ब्लड के अंदर हमारी डोज की जा रही है उसको सी मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। तो ये इंक्रीज होगा तो इसमें भी ग्राफ शो करेगा, जैसे डोज साइज में कर रहा है इंक्रीज होगा ग्राफ। तो ये आपको ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर। और लास्ट है फार्माकोकाइनेटिक एंड डिजीज। जो फार्माकोकाइनेटिक एंड डिजीज पैटर्न पे क्या होगा कि इसमें कुछ डिजीज होती हैं, जैसे रीनल डिजीज हो गया, रीनल डिजीज। तो रीनल डिजीज में क्या होगा कि जो अगर रीनल क्लियरेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो रीनली एक्सक्रिएट होती हैं वो एक्सक्रिएट नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, तो उनका अमाउंट है बॉडी के अंदर इंक्रीज रहेगा। तो ऐसी ड्रग के लिए अपन जो रीनल, पहले रीनल को जो अफेक्ट कर, मतलब डिजीज है उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद इसी ड्रग का अपन यूज कर सकते हैं। और जैसे लीवर में कोई डिजीज है तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होगा, प्रॉपरली ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे। तो इस टॉपिक के अंदर बस इतना कुछ ही दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, तो ज़्यादा डिटेल में आपको यह समझ में भी नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टॉपिक और बचा है हमारा यूनिट 4 का, उसके बाद यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।